बिहार ने ही शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 से प्रारंभ किया। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर से 11 नवंबर को शिक्षा दिवस का आयोजन प्रारंभ किया। इसकी मांग कई लोग किया करते थे और केंद्र सरकार को उन दिनों पत्र भी लिखे जाते थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन देश भर में होना चाहिए। तो जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने यही सोचा कि केंद्र सरकार को तो हम लोगों ने दिखाई है, लेकिन अपने राज्य में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस के आयोजन में क्या दिक्कत है। इसलिए हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया और शिक्षा दिवस का आयोजन शुरू किया। सबको मालूम है कि 5 सितंबर को हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन होता है और अब शिक्षा दिवस का भी आयोजन 11 नवंबर को होने लगा। तो ये लगभग 10 वर्षों से इसका आयोजन बिहार में हो रहा है और इसके आयोजन के लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूँ और आप सबको सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जन्म दिवस पर आयोजित शिक्षा दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो योगदान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का इस देश के शिक्षा के क्षेत्र में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और जो हम लोगों का उद्देश्य था शिक्षा दिवस का आयोजन, उसका यही उद्देश्य था कि देश के आज़ाद होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कितने नए और प्रभावशाली कदम उठाए गए, नई संस्थाओं का सृजन किया गया। ये जो आज IIT है, यूथ का एक एस्पिरेशन होता है, उसकी इच्छा होती है कि हम IIT में पढ़ें। तो IIT की शुरुआत आज़ाद साहब के द्वारा की गई। आज जो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक अहम भूमिका है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना भी मौलाना आज़ाद साहब के द्वारा किया गया। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रभावशाली कदम उठाए गए और जिसका एक अच्छा परिणाम आज देखने को मिलता है। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है और देश की आज़ादी की लड़ाई में जो मौलाना आज़ाद साहब का योगदान है, देखिए जब देश का बंटवारा हो गया आज़ादी मिलने के साथ, और आप जानते हैं बापू के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और जो देश को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के साथ साथ इस देश का बंटवारा भी हो गया और किस तरह की परिस्थिति उस समय उत्पन्न हुई देश में, किस तरह से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने वालों को क्या कष्ट झेलना पड़ा, यह सब जो परिस्थिति थी। और उस समय जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको पूरा का पूरा भरोसा मौलाना आज़ाद साहब पर था और आज़ाद साहब ने सब लोगों से अपील किया कि ये देश तुम्हारा है, तुम इसी देश में रहो, और उनके इस अपील पर ही लोग यहाँ रहे और आज उनका भी वही सम्मान है, उनका भी वही अधिकार है। तो मौलाना आज़ाद साहब का इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान है, आज़ादी के बाद जो भयंकर तनावपूर्ण स्थिति इस देश में पैदा हुई, उसको शांत करने में जो उनकी भूमिका थी, और इसके बाद सरकार में रहते हुए शिक्षा क्षेत्र के विस्तार में जो उनकी भूमिका थी, इसको हमेशा याद किया जाना चाहिए। और यही हम लोगों का मकसद है शिक्षा दिवस के आयोजन का, ताकि हमारी नई पीढ़ी को इसके बारे में भी जानकारी रहे।
और जब तक हम अपने इतिहास को ठीक से नहीं जानेंगे तब तक हमारा आगे का रास्ता ठीक नहीं हो सकता। और आप जानते हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई हुई तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, आज से 100 साल पहले पंडित राजकुमार शुक्ला जो शिकार थे नीलों के अत्याचार के और जो पूरा का पूरा चंपारण का इलाका उसका शिकार था, उन्होंने इस सवाल को कांग्रेस के अधिवेशन में भी उठाया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके थे, वो देश का भ्रमण कर रहे थे लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम में उपस्थित थे। शुक्ला जी ने बहुत आग्रह किया तो गांधी जी और बताया जो चंपारण में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, उनकी जो बुरी स्थिति है, नीलों का जो अत्याचार है, तो गांधी जी ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं बोल सकता हूं जब तक मैं स्वयं इसको देख न लूं। तो पंडित राजकुमार शुक्ला जी ने उनसे बहुत आग्रह किया, एक बार नहीं दो बार तीन बार लगातार उनके पीछे जहां जाते थे वहीं चले जाते थे कि आप चलिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं चलूंगा जरूर और अंत में वो तारीख निर्धारित हो गई। बंगाल गए थे, कोलकाता गए थे, कहा उसके बाद हम चलेंगे और आए 10 अप्रैल को पटना आए, यहां से मुजफ्फरपुर गए, उसके बाद जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ और जो उसमें किसानों का जो हक छीना गया था, उनके साथ जो अत्याचार होता था उससे उनको छुटकारा मिला। तो गांधी जी की जो चंपारण यात्रा जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, आज 100 साल पूरा हुआ है 2017 में और ये पूरा वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यही श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल है, यहीं पर हम लोगों ने देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को उस अवसर पर सम्मानित किया और तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम में आए थे और उसके पहले 10 और 11 अप्रैल को गांधी जी के विचारों पर राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। इसके बाद उन सभी प्रमुख जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं जहां गांधी जी गए थे और अभी आगे भी 20 नवंबर को तिहरवा में कार्यक्रम होगा। आपको मालूम है जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में आए तो उन्होंने जो देखा यहाँ की स्थिति, तीन चीजों पर उन्होंने गौर किया और अनुभव किया। एक तो समझा कि बड़ा सामाजिक भेदभाव है, छुआछूत है, जाति प्रथा है। दूसरा चीज उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं है और स्वास्थ्य के बारे में कोई समझ नहीं है। तो एक तरफ चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही और उसके साथ साथ गांधी जी ने चंपारण के इलाकों का जो अध्ययन किया उसमें शिक्षा पर बहुत जोर दिया, साफ सफाई पर जोर दिया, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सजग किया। तो ये काम भी गांधी जी ने किया और जात पात का जो असर था वो तो इतना भयंकर था कि उनके सहयोग के लिए जो नामी गिरामी वकील लोग सब उनके साथ वहां गए, राजेंद्र बाबू से लेकर के अनेक सुविख्यात वकील सब लोग उनकी मदद के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि जितने वकील आते हैं इनकी आमदनी तो बहुत ज्यादा रही है तो इनकी सेवा के लिए आती है, हर प्रकार की सेवा के लिए उनके साथ एक टीम है और सबका खाना अलग अलग बन रहा है। तो गांधी जी ने सबको समझाया और वहीं से शुरुआत की कि अलग अलग जाति के कारण अलग अलग प्रकार का सब इंतजाम। उन्होंने सबको समझाया और उनके साथ काम करने वाले जितने लोग थे सबको का एक साथ रहना और एक साथ सबका खाना शुरू हुआ, यहां से उन्होंने शुरुआत की।
और इसके बाद जो उन्होंने स्थिति देखी, 6 स्कूल गांधी जी ने चंपारण में खुलवाया खुद, बढ़रवा लखनसेन से लेकर भितेरवा, और भितेरवा का नाम बहुत है वहां, चूंकि कस्तूरबा भी गई थी गांधी, तो भितेरवा में भी कार्यक्रम होने वाला। जो पहली बार वहां पर गए थे 1917 में नवंबर में, तो उसके लिए भी आयोजन। हमने इस बात की चर्चा इसलिए की कि हम सब लोगों को ये जानना चाहिए और नई पीढ़ी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या हमारा इतिहास। हमारा जो बिहार है, हमें बड़ी खुशी हुई प्रोफेसर एससी वर्मा जी ने शिक्षा के बारे में जो एक प्राकृतिक तरीका होना चाहिए शिक्षा के प्रसार का, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका मैं समर्थन भी करता हूं। शिक्षा का मतलब सिर्फ क्लास में बैठ करके बच्चों को पढ़ा दीजिए उससे नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा ठीक है, कुछ जानकारी मिल जाती है, लेकिन हर के अंदर की जो प्रतिभा है वो उभर कर सामने नहीं आ पाती है, बात सही है। तो हमें प्राकृतिक रास्ते की ओर चलना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही है। और ये जो प्रकृति है इसके बारे में भी एक सोच और समझ होनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने सारी चर्चा प्रकृति की। और ये भौतिक विज्ञान के विद्वान है, फिजिक्स के, और उन्होंने प्रकृति की बात की है। मुझे भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ इस दुनिया में हो रहा उसका कितना दुष्परिणाम है, आप सुन रहे हैं, आजकल अखबार में पढ़ते होंगे, दिल्ली का क्या हाल है, इस बॉक्स से भरा हुआ है, बीजिंग की क्या खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो उससे उसको मुक्त कराया गया विशेष तौर पर अभियान चलाकर। यानी जो दुनिया भर का ये चक्कर अपने यहां भी 2-3 दिन से देख रहे हैं, तो जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है उसका दुष्परिणाम तो होगा। मनुष्य को यह भ्रम है कि हम प्रकृति पर काबू पा लें, जो कि असंभव है, कोई प्रकृति पर काबू नहीं पा सकता। और हम तो अक्सर हाँ कहते हैं कि कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और प्राकृतिक रास्ते को अपनाना चाहिए, ये जरूरी है। और गांधी जी क्या कहा करते, गांधी जी ने हमेशा कहा, और वो हमेशा पर्यावरण पर जोर देते थे, वो यही कहते थे कि भाई जो हमारी जो पृथ्वी है वह लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो मनुष्य का मन लालची होता चला जा रहा है, ये कुदरत के खिलाफ है। तो कुदरत और प्रकृति के बारे में एहसास, हम जो अपनी सुविधा के लिए, सुख के लिए जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो आत्मघाती है। और आज बताइए कि जिस तरह से छेड़छाड़ करते हुए, अब जरा बताइए गंगा नदी की कैसी विरलता थी, कैसी निर्मलता थी। मुझे तो अच्छी तरह याद है, यहां से 50 किलोमीटर पूरब बख्तियारपुर में मेरा जन्म हुआ, वहीं हम पले बढ़े, और गंगा नदी की एक धारा, मुख्य धारा भी नहीं, उस बख्तियारपुर के किनारे से जाती थी और हम लोग उसमें नहाते थे, उसकी धार इतनी अच्छी रहती थी, पानी इतना स्वच्छ कि हम लोग बचपन में नहाते थे और छोटे बाल्टी में पानी लेकर जाते थे, बड़ा खुश रहते थे कि आज जो हम गंगा नदी का पानी लाए हैं वही दिन भर पीने को मिलेगा। आज गंगा नदी में जाकर के कोई बाल्टी में पानी लाएगा और पीने लायक बचा है, ये स्थिति हो गई। तो पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में जो छेड़छाड़ करते हुए हम लोगों ने जो
स्थिति को पहुंचा दिया है, या आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय है या नहीं, आने वाली पीढ़ी ने क्या देखा, ये सबका अधिकार है। तो कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा में ये बड़ी बुनियादी चीज है, और आपने बच्चों को, नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए उनके अंदर की जो प्रतिभा है प्राकृतिक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर, उसको उभारने की बात कही। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा प्रोफेसर वर्मा जी, और बैठकर भी हम कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है, और आपको जान रहे मास एडुकेशन है, देश की आबादी 125 करोड़ की, हमारे बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ की, हमारे 2.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। अब आप बताइए कि उनको इस प्रकार से प्राकृतिक ढंग से हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं। आपने मॉडल की बात की है, तो एक आध मॉडल जरा बिहार में भी स्थापित करा दीजिए। आपका तो रिश्ता रहा, यही साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, और अभी बात हो रही थी हम भी साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, हम एक साल के लिए पढ़े, आप कई साल के लिए पढ़े, लेकिन पढ़े तो साइंस कॉलेज में। इसलिए मैं इस अधिकार के साथ भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप यहां भी इस प्रकार का एक मॉडल स्टैब्लिश करिए। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी ताकि एक प्राकृतिक ढंग से, स्वाभाविक ढंग से शिक्षा का प्रसार किस तरह से, हर के अंदर जो प्रतिभा है उसको हम किस प्रकार से उभार सकें। ये बड़ी अच्छी बात है, और इस दिशा में आगे बढ़ाइए। और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम हुए, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का मतलब है सबकी शिक्षा। पहले तो सिर्फ पुरुषों की शिक्षा पर ध्यान था, मैंने शुरू से गांधी जी से लेकर के आजाद साहब तक ने सबने नारी शिक्षा की बात की, लेकिन नारी शिक्षा की स्थिति क्या रही। 5वीं कक्षा के बाद भी लड़कियां स्कूलों में जाना कम कर देती थी, परिवार की गरीबी के कारण 6ठे क्लास और उसके आगे के कक्षाओं में लड़कियों को जो वस्त्र चाहिए वो परिवार के, उनके परिजन माता पिता देने की स्थिति में नहीं रहते थे, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे। और इस चीज को समझते हुए ही हम लोगों ने 2007 में बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की। उसका नतीजा हुआ कि लड़कियों की संख्या बढ़ गई, और अब तो मिडिल स्कूल के स्तर पर लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हो गई, ये स्थिति हो गई। हाई स्कूल में साइकिल योजना, पोशाक योजना को चलाने से कितनी कम लड़कियां थी। जब लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो मात्र 1,70,000 लड़कियां सरकारी स्कूलों में 9वें क्लास में पूरे बिहार में थी, आज उनकी संख्या 9 लाख से भी आगे चली गई है।